छत्तीसगढ़ कांग्रेस के नए प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट के रायपुर दौरे पर बीजेपी ने तंज कसा है। बीजेपी प्रवक्ता संदीप शर्मा ने कहा है कि कांग्रेस ऐसे लोगों के कंधों पर टिकी है जो खुद बागी है। सचिन पायलट पहले राजस्थान में कांग्रेस की नाव डुबा चुके हैं। इसके पहले कुमारी शैलजा भी हरियाणा में कांग्रेस की नाव डुबाकर छत्तीसगढ़ आई थी। वहीं बीजेपी प्रवक्ता ने राम मंदिर उद्घाटन समारोह में कांग्रेस के शामिल नहीं होने के फैसले पर कहा कि कांग्रेस भगवान श्री राम के प्रति दोहरा चरित्र रखती है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने अपनी टूटी नाव चलाने के लिए राजस्थान से पायलट बुलाया। ये वो पायलट है जो अपने राज्य में कई बार उड़ते हुए जहाज को जमीन पर लाकर के पकड़ रहे। आपको ध्यान होगा कि कुछ समय पहले शैलजा जी के यहां पर प्रभारी बनाए थे और ये वही शैलजा जी हैं जिन्होंने हरियाणा में कांग्रेस को डुबाई थी और अब पायलट जी आ रहे हैं यहां जो राजस्थान में कांग्रेस को डुबाने का काम किया। अपने अपने राज्य में जिन्होंने बगावत किया, ऐसे बगावत करने वाले लोग ही आज कांग्रेस पार्टी के सहारा बने हैं। और छत्तीसगढ़ के जो बागी हैं, उन सारे बागियों को संभालने के लिए अब इस तरह के लोगों को कांग्रेस पार्टी अपने राज्य में बुला रही है। इससे कांग्रेस का कोई भला होने वाला नहीं।